जी मैं हूँ हरीम शाह, और मुझे दो जो लोग हैं सरे फरिश्त जो अभी फिर मेरा नेम ले रहे हैं और गलत बातें और बेबुनियाद बातों से लोगों को अपनी अमीन होने की दलीलें दे रहे हैं, सादिक और अमीन होने के दलाइल दे रहे हैं, और उनमें सरे फरिश्त जो हैं फारूक सत्तार साहब जो टिड्डे हैं, और दूसरा फैजुल हसन चौहान साहब। फैजुल हसन चौहान साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुखातिब करते हूँ क्योंकि मैं आपकी कहूँ कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और हमेशा जब भी मीडिया चैनल ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं, और आप मीडिया PNN को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट के साथ, और शुक्र है मेरे साथ शादी नहीं और इस पार्टी का नाम नहीं लिया, वरना मेरे ऊपर नाम आ जाता। तो पहले ये है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी, और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। सो आप इस काबिल नहीं हो कि आपके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ूंगी, और ना मैं आप लोगों को इस काबिल समझती हूँ और ना कभी समझूंगी। और फारूक सत्तार साहब, आप बिल्कुल झूठ ना बोलें कि किसी के साथ आई थी और मुलाकात हुई थी। मुलाकात वो हमारी PC होटल में हुई थी, वो होटल का रूम था, और वो आवाम इतनी जाहिल नहीं, और आप खुद मुझसे मिलने का शौक रखते थे, इश्तियाक रखते थे, और 6 मंथ से आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी, ये होंगी वो होंगी। और आप जब हम कराची आए थे तो आप खुद चल के हमारे पास मिलने के लिए आए थे, हम आपके रूम में नहीं मिलने के लिए गए थे। तो झूठ क्यों बोलते हो आप आवाम के साथ, जब सच बोल ही नहीं सकते, सच्ची बातों की तस्दीक कर ही नहीं सकते, तो आप लोग क्या सियासत करोगे? आप लोग क्या, ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी आवाम से मिलते जा करूँ कि कैसे लोगों को वोट देकर ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें। ये झूठे और गलीज लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फैजुल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जबान से मेरा नेम ले के मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली, तो मैं सारी की सारी बातें इमरान खान को बता दूंगी, और आपके वो छुपे करतूत भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब आपको लात मार के PTI से के पार्टी से बाहर कर देंगे, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो लिहाजा अगर अपनी इज्जत का ख्याल रखने तो मुझे डिस्कस मत कीजिएगा। अगर मुझे डिस्कस करेंगे तो वो ही बात है कि तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। तो फारूक सत्तार साहब, आप भी झूठ बोलना बंद करें। आप ये मत कहें कि अचानक से आई, मेरे ऑफिस में आई, बाद में पता चला लोगों ने कहा हरीम शाह है, लोगों ने कहा ये है, फिर मैं आपकी वो सारी की सारी जो मेरी और आपकी 6 मंथ तक कॉल पे बात हो रही थी, या जो व्हाट्सएप पे चैट पे बात हो रही थी, वो मेरे पास सेव है। आप ये ना कीजिएगा कि वो दलाइल में मीडिया को दे दूँ और फिर आपको बदनामी का सामना एक दफा से फिर करना पड़े। तो मैं आप जैसे लोगों से नहीं डरती, क्योंकि मैं आप लोगों के गस्से नहीं खाती, मैं आप लोगों की कोई मुलाजमा नहीं हूँ, मैं आप लोगों की कोई कीप नहीं हूँ, मेरे आप लोगों के साथ ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे कि मुझे छुपाना पड़े। लेकिन आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच, इतना काफी आपकी इज्जत अफजाई के लिए।